कांग्रेस के खिलाफ जहां महागठबंधन के साथ ही आरजेडी ने निशाना साधा है, वहीं पार्टी के भीतर से भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार की हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने हार को ही अपनी नियति समझ लिया है। सिब्बल ने यह भी कहा कि कांग्रेस लीडरशिप समस्या का समाधान जानती है लेकिन करना नहीं चाहती, तो ये बड़ा हमला खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं कांग्रेस पर, जहां महागठबंधन की हार को लेकर पहले से ही कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है 70 सीटों पर लड़ने के बाद इतना खराब परफॉर्मेंस रहा, वहीं कपिल सिब्बल ने अब इस पर क्या कहा है। बिहार और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता हो कि सब कुछ ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को असरदार विकल्प नहीं मान रहे। अगर 6 साल में कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें। हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, हमें पता है सांगठनिक तौर पर क्या समस्या है। मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से भागती है। आगे उन्होंने लिखा, ये कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति है जिससे हम सब चिंतित हैं।